पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। फरवरी सन 2012 और रविवार का दिन। 19 फरवरी को आपकी शादी की सालगिरह है या आपका जन्मदिन है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और देवाधिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जन्म 19 फरवरी को है, आपकी शादी की सालगिरह है 19 फरवरी को और जीवन में उठापटक का सामना करना पड़ रहा है। तो रविवार दिन रविवार की होरा में तांबे के पात्र पर सूर्य यंत्र बनाकर अभिजित मुहूर्त में अपने गले में धारण करें, बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। ओम राम ह्रीम ह्रम शाय सूर्याय नमः। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना बहुत कल्याणकारी रहेगा। और है कैरियर कारोबार या जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या परेशानियां आपके पास में है, तो आपको आदित्य हृदय सूर्य का शुभ शाम पाठ करना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमः नारायण। और बात करते हैं रविवार के पंचांग। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और विक्रम संवत 2068 प्रातकालीन उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र चंद्रमा का राशि और रविवार का राहु काल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, नमनान। और बात करते हैं रविवार की यात्रा की। जहां आप रहते वहां से दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रही। और रविवार के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व गाय का देसी घी 1 चम्मच सेवन करके आप यात्रा पे निकल जाएगी, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। अब मैं आपको ले चलता हूँ नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं रविवार के राशिफल के। सबसे पहले मेष राशि। ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल और शुभ और बहुत ही मनोनुकूल फल देने वाली है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कारोबार में विस्तार होगा और कारोबारी सुंदर संबंधों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। राजनीतिक और सामाजिक रुतबा बढ़ेगा और नौकरी में पदोन्नति के योग नजर आ रहे हैं। क्या करें, स्थानांतरण कर सकते हैं। क्या ना करें, क्रोध पर काबू रखें, अनावश्यक क्रोध ना करें। नमनान। और बात करते हैं वृषभ राशि। समय और प्रस्तुति में सुधार होगा। प्रयासरत रहने से कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता हासिल होगी। व्यवसायिक स्थिति मनोनुकूल, कारोबार में वृद्धि, अपनों का पूर्ण सहयोग और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। क्या करें, धर्म और कर्म और सामाजिक कार्य में रुचि लेना बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, आज के दिन वाहन और भूमि में पूंजी निवेश ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नवनर। बात करते हैं मिथुन राशि वालों। समय थोड़ा सा प्रतिकूल। आज कारोबार में आपके कारण हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके जो काम करने का तरीका, जो निर्णय लेने का तरीका है, वो थोड़ा सा नहीं बदला तो आज कारोबार में हानि हो सकती है। आज आसपास का पास पड़ोस का वातावरण थोड़ा सा ठीक नजर नहीं आ रहा है। बहुत जरूरी है पास पड़ोस से मधुर संबंध बनाने की। धन और समय का अपव्यय को रोकना आवश्यक होगा और बहुत जरूरी है संतान पक्ष पर ध्यान देने की। मिथुन राशि वालों, सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक गोचर सावधानी का संकेत दे रहा है। कारोबार में ध्यान दें, रिश्तों में मधुरता रखें, संतान पक्ष पर ध्यान दें और धन का दुरुपयोग नहीं हो इस बात पर भी ध्यान देना होगा। क्या करें, परिश्रम और
और मेहनत से मांगलिक कार्य करने का मौका मिलेगा, उसको जरूर पूरा करें। क्या ना करें, आज विरोधी को कमजोर ना समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन अनु बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, साझेदारी के कार्य में विशेष लाभ होगा और धन वृद्धि और सुख के साधनों का उपयोग करेंगे। आज वैवाहिक सुख बढ़ेगा, किसी मित्र से विशेष सहयोग से लाभ की आशा की जाती है और संपूर्ण मानसिक परेशानियों से पीछा छूटेगा। क्या करें, शुभ और मांगलिक कार्य करने का शुभ अवसर, इसको जरूर करें। क्या ना करें, सरकारी कार्य में दखल अंदाजी ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन अनु बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक कष्ट दूर होगा। माता का शनि और ननियाल पक्ष का सुख प्राप्त होगा, धन वृद्धि होगी, भाग्य आपकी पक्ष में कर ले रहा है, अनुकूल लाभ की स्थिति होगी और उचित अवसर का लाभ उठाएंगे, ऐसा लग रहा है। क्या करें, आज अपनी बात का कहने का अवसर है, समाज के सामने अपनी बात रख दीजिए, अच्छा रहेगा। क्या ना करें, आय से अधिक खर्च ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमनान। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि जिसके घर योगा योग है, गोचर थोड़ा सा मध्यम है, संतान पक्ष में ध्यान देना होगा, कारोबार में विशेष रुचि लेनी होगी, शेयर और सट्टे मार्केट से दूर रहना होगा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। जिस तरह के घर योगायोग है, आज कारोबार में थोड़ा ठीक नजर नहीं आ रहा, परिवार में उठापटक है, मार्केट में हानि की संभावना है और सरकार से भी नुकसान हो सकता है। गोचर थोड़ा सा मध्यम है, अपनी वाणी पर संयम रखें और अनैतिक कार्यों से दूर रहते हुए बहुत जरूरी आज यदि बुद्ध के बीज मंत्र का जाप कर, आपके बदन ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म शा बुधाय नमः, बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करिए, अच्छा रहेगा। विशेष क्या करें, स्वास्थ्य और खान पान के प्रति नियमित रहें। क्या ना करें, आज स्थान परिवर्तन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। लेकिन उससे पहले एक सवाल, सुनील महापति थाने से फोन है। दाती महाराज, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं और तनाव रहता है, आपका वृश्चिक लग्न है और आपकी कर्क राशि है, इस समय आपको सूर्य की मां दशा चल रही है जो 28 जून 2016 तक रहेगी। इस समय आपको सूर्य में राहु की अंतर्दशा चल रही है जो 16 जुलाई 2012 तक रहेगी। इसके बाद गुरु की अंतर्दशा 4 मई 2013 तक रहेगी। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपकी जन्मभूमि का संपूर्ण अवलोकन करने के बाद मैं आपको ये कह सकता हूं, क्योंकि आपने ये भी पूछा कि शनि की साड़ी, आपको शनि की साड़ी साथी नहीं है, आपको लघु कल्याणकारी शनि की धैया प्रारंभ नहीं हुई है और जो जो आपको 8 अगस्त से बहुत अनुकूल बहुत शुभ फल प्रदान करेगी। शनि से आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं मेरे भाई, भयभीत व्यर्थ में भय मत लेना, लोगों से कहिए मुझे कुछ नहीं होगा, ये स्वार्थी लोग हैं जो आपको डरा रहे हैं। लघु कल्याणकारी शनि की ढैया और ये ढैया आपको माला माल करेगी, बस अपने कर्म ठीक रखना और माता पिता की सेवा करें। क्या उपाय करें यदि परेशानी है तो संपूर्ण ग्रह योगा को देखते आपको ये उपाय, हर रोज अपने माता पिता की चरण स्पर्श करो, 700 ग्राम बाजरा अपने ऊपर 7 बार उसार कर पक्षियों को रोज डाल दो, लगातार 43 दिन डालना और उनके लिए पानी की व्यवस्था कर देना, कष्ट नहीं आएंगे। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, आप सेकेंड ओपिनियन भी ले लेना, अच्छा रहेगा। लेकिन हाथ कंगन को आर से क्या, ये आप भी जानते हैं। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि ग्रह कुशल ये कह रहे कि आज वाहन के उपयोग में सावधानी बरतनी पड़ेगी, भाई बंधुओं से कलह नहीं हो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आज पैतृक मसले अटक सकते हैं, चल अचल संपत्ति खरीदारी में नुकसान हो सकता है, व्यर्थ कानूनी झंझटे आ सकते हैं और आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो। और सुबह से लेकर शाम 3:30 बजे गोचर तुला राशि वालों ये करें कि आपको सावधानी बरतने में छोटा सा उपाय, त्र्यंबकम यजाम हे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वा रुक्मि बन्नात मृत्यु मुमुक्षु माम दद्यात् या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, बहुत अच्छा रहेगा और पीले पुष्प चढ़ा के देखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, मन प्रसन्न रहेगा और मनो अनुकूल कार्य भी बनने लगेंगे, प्रियजनों से मिलने का अवसर मिलेगा, पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा, व्यवसायिक स्थिति अनुकूल रहेगी, धन लाभ भी बढ़ेगा और आज अकस्मात कहीं से रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सुधार करें। क्या ना करें, अपनी बातें लोगों पर न लाएं, अपनी मन की न चलाएं, कभी कभी अपनों की भी सुन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन।